हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है कि इस कलयुग में कैसे गुरु बनाएं, किस तरह का गुरुदेव का क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह के गुरु को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, तब हम लोग को जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ऐसे में गुरुदेव का विभिन्न प्रकार का क्वालिटी है, और गुरु को परखने के लिए, गुरु को जानने के लिए, या किस गुरु से दीक्षा लेना है, किससे ज्ञान लेना है, ये सब जानने के लिए विभिन्न तरह का विभिन्न प्रकार है, लेकिन उनमें से मुख्य मैं 5 विषय का आलोचना करूँगा। तो 5 विषय में से पहला जो है गुरुदेव की योग्यता, कि पहला गुरुदेव की योग्यता है कि अपने आप को भगवान न माने, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है एक टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह। कोई एक सब्जेक्ट मैटर है, कुछ शिक्षा है, तो शिक्षा को कैसे रिलीज करना है, शिक्षा को कैसे उनको समझाना है, देना है कि ये चीज़ करने से ऐसे होते हैं, ये लाइक उसको ज्ञान देना, अपने शिष्य को समझाना, सही ज्ञान देना। तो जो ये पूरा सही ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है, और गुरुदेव उस भगवान का प्रतिनिधि है जो उस जीवात्मा को भगवान परमात्मा से जोड़ते हैं, तो ये जो ज्ञान देते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि वो अपने आप को भगवान ना माने। अगर वो अपने आप को भगवान माने तो समझो कि ये पाखंड है, क्योंकि संसार में हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अभी भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ हैं इस भारतवर्ष में, जो पूरे विश्व में वो लोग भ्रष्ट कर रहे समाज को, अपने आप को भगवान बताते हैं, लेकिन नहीं, भगवान क्या है, भगवान का जन्म कहाँ होगा, आविर्भाव कहाँ होगा, वो सब श्रीमद् भागवतम में वैदिक शास्त्रों में मेंशन किया गया है। बुद्ध देव आए 2500 वर्ष पहले, तो 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवतम लिखा गया था, व्यासदेव ने लिखी, और श्रीमद् भागवतम में वर्णन था कि बुद्ध देव गया नामक स्थान में आविर्भाव होंगे, उसका पिता का नाम ये होगा, उनकी माँ का नाम, तो ऐसे ऐसे सब कुछ मेंशन है भागवतम में, प्राचीन नहीं, और वो सब घटित हो चुका है। और श्रीमद् भागवतम में ये भी वर्णन है कि भविष्य में कल्कि अवतार आएगा और उनका पिता का नाम ये होगा, तो ये सब कुछ वर्णन शास्त्रों में वर्णन है। तो भगवान वही होता है जो शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि भगवान कोई कल्पना की वस्तु नहीं। कृष्णा, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्णा, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, ये सब कोई कल्पना की वस्तु नहीं है। ये जब जब समय समय में किस टाइम में क्या क्या अवतारित होने वाला है, वो सब कुछ शास्त्रों में मेंशन किया गया है। तो वो चीज़ शास्त्र में जो वर्णन है उसको सही अगर कोई बताता है, उसे पहला गुरुदेव का पहला योग्यता मानना चाहिए। गुरुदेव का क्या पहला योग्यता, वो अपने आप को भगवान ना माने, वो भगवान को ही भगवान माने, और उनके शिष्यों को और अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दे कि कृष्णा भगवान है, भगवान रामचंद्र है, भगवान के विष्णु के अनंत अवतार है, तो ये सब जो सही ज्ञान दे उसे कहा जाता है गुरुदेव का पहला क्वालिटी। देखिए आज का विषय यही है कि गुरुदेव को किसी भी कोई सब्जी मार्केट नहीं है कि जाके कुछ खरीद लिया और अपने आप के नो, गुरुदेव बनाने से पहले परखना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि गुरुदेव को जब तक आप नहीं बना रहे, जब तक आप सरेंडर नहीं होते गुरुदेव के प्रति, तब तक आप उसको परखो, उसको टेस्ट लो कि गुरुदेव की योग्यता क्या है। लेकिन एक बार अगर उसके प्रति शरणागत हो गए तो उसके बाद क्वेश्चन मत करो कि आपने ये किया, नहीं, गुरुदेव जो बोले वो करना है। एप्टर इनिशिएशन मतलब दीक्षा के बाद आपको गुरुदेव की बात मानना है, और दीक्षा से पहले आप परखो कि वो कौन गुरु सही है, किसकी शरण ग्रहण मुझे करना है, इसलिए प्रभुपाद बोले। तो
पहला क्वालिटी क्या है, पांच क्वालिटी का वर्णन है, पांच गुरुदेव की योग्यता का पांच विषय। तो उनमें से पहला विषय क्या था कि अपने आप को भगवान न माने। और अपने आप को भगवान न माने, जैसे और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गुरुदेव की योग्यता क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक किसी व्यक्ति की लड़की वो विवाह की योग्य हो गई, बड़ी हो गई, तो किसी व्यक्ति को बोला कि एक काम कीजिए, मेरी लड़की के लिए एक वर ढूंढ दीजिए क्योंकि आपके बहुत सारे परिचित हैं। तो अगर वो व्यक्ति वो दूसरा वर ना ढूंढ कर अगर खुद को ही बोल गया, अरे मैं भी थोड़ा कम हूँ क्या, चलिए मैं ही आपकी बेटी के साथ शादी करता हूँ, तो क्या होगा, मतलब पे ढोंगी है, पाखंडी है, उसका सही सही ज्ञान नहीं है कि इसके योग्य वर क्या होना चाहिए। तो ऐसे गुरु से बचना चाहिए, ये गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु की योग्यता पांच है, उनमें से पहला क्या है कि भगवान ना माने। अगर कोई भगवान अपने आप को ना माने, अगर भगवान का दास 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 दासानुदास माने, तो समझो कि गुरु की पहली योग्यता है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड वो कि वो भगवान कृष्णा, भगवान राम, भगवान विष्णु के भक्त। गुरुदेव की सेकंड योग्यता क्या है कि वो भगवान कृष्णा, भगवान राम या भगवान विष्णु की भक्त हो। क्योंकि वो अगर भगवान राम कृष्णा विष्णु नृसिंहदेव, तो ये जो भगवान के अवतार है, अगर इनसे संबंध वो भगवान का उनका पूजनीय भगवान नहीं है, उस व्यक्ति का किसी देवी देवता है, तो समझो उस गुरु को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे काली साधक है, देवताओं के पूजक है, सूर्य देव के उपासक है, लेकिन गुरु भगवान राम भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का भक्त। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भगवान कृष्ण राम और विष्णु का भक्त हो, उसी को गुरु मानना चाहिए और उसी को भक्त मानना चाहिए। क्योंकि भक्त शब्द आता है भक्ति और भगवान से, क्योंकि तीन चीज़ें, भक्ति किसकी करना चाहिए, भगवान की, और कौन करता है, भक्त। तो भक्त भक्ति भगवान, ये तीन चीज एक साथ में पैरेलल है, मतलब एक साथ में जुड़ा हुआ है। भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति कौन करता है, भगवान का जो भक्त होता है, मतलब तीन चीज, भक्त भक्ति और भगवान। इसमें कोई देवी देवता का स्थान, क्योंकि भगवान भगवान है, इंद्र देवता है, ब्रह्मा देवता है, शिव देवता है, सूर्यदेव देवता है, अग्निदेव देवता है, सरस्वती देवता है, देवी है, लक्ष्मी देवी है, गंगा जमुना, ये सब देवी देवता की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भगवान कृष्णा, भगवान रामचंद्र, विष्णु, नृसिंहदेव, वामन देव, इस तरह जितने सारे अवतार, ये सब भगवान। तो भक्ति किसकी करनी चाहिए, भगवान की, और कौन करेगा, जो भक्त। तो गुरुदेव का सेकंड योग्यता क्या है, पहला योग्यता क्या था कि वो अपने आप को भगवान ना माने, दूसरी बात सेकंड बात क्या है, भगवान कृष्णा भगवान राम ये भगवान विष्णु का भक्त। गुरुदेव की थर्ड योग्यता, मतलब तीसरी योग्यता है गुरुदेव की, जो अपने इंद्रियों को संयम करने में सक्षम है। ऐसे में रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों का कोटेशन देखे, ये बताया गया कि छह प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, विशेष करके छह वेग को दमन करना गुरुदेव की योग्यता है। वो क्या है, बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम बाचो बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम मनस क्रोध बेगम। ये जो छह, बाचो बेगम मतलब वाणी का, मन बेगम मन का, क्रोध बेग, जीवा बेग, उदर बेग और उपस्थ बेग, ये छह प्रकार। एतान बेगान जो विषय है धीर सर्वम अपि शिष्य से तो धीर, मतलब कहने का अर्थ यही है, ये संस्कृत श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति, ये छह इंद्रियां हैं हमारे, वाणी बोलने का, मन का, क्रोध करने का, उदर उपस्थ, तो ये जो छह प्रकार के जो हमारे वेग है, इसको अगर कोई दमन कर सकते कि मन चाहता कि नहीं तुरंत हम चले जाएंगे, वाणी चाहता कि तुरंत हम कुछ बोल देंगे उसको, नहीं, अगर ये अगर कोई कंट्रोल कर पाया तो समझो कि वो गुरु बनने के योग्य है। क्योंकि गुरु बनने की जो क्वालिटी यही है कि वो छह प्रकार की इंद्रियों को अपने बस में
कर सके। और गुरुदेव की चौथी योग्यता क्या है कि जो बोलता है वो अपने आचरण में लाते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि विभिन्न टीवी प्रोग्राम हो रहा है, चैनल में आस्था चैनल, संस्कार चैनल, जो बहुत सारे नाम का चैनल है, लेकिन भागवत प्रवचन वो लोग करता है लेकिन वो अपने जीवन में आचरण नहीं करता। क्योंकि भागवतम प्रवचन करने के लिए, भागवत की कथा बोलने के लिए कुछ कुछ योग्यता, उनमें से श्रील प्रभुपद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध से वर्णन ये किए गए कि चार पाप कर्मों से निरत होना है उसको। उनमें से पहला क्या है? मांसाहार निषेध, अवैध संग निषेध, जुआ निषेध और नशा करना। ये चारों चीज का पूर्ण रूप से निषेध, ये जो चारों चीज नहीं करे, ना करे, और हरे कृष्ण महामंत्र का एटलीस्ट जप करे। अगर ये करने में सक्षम है, अगर ये करता है तो उसको गुरु मानना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब ये सिर्फ बकर बकर करता है भागवतम कथा में लेकिन वो अपने जीवन में कुछ उतारता नहीं, तो इसे सनातन गुस्सा में पद्म पुराण ने श्लोक से वर्णन किए कि दोनों सुनने में एक जैसा है। जो भक्त नहीं है वो भी भागवत कथा बोलता है, सुनने में अच्छा है क्योंकि भागवत कथा स्वयं अमृतमयी है। और जो भक्त है अपने जीवन में आचरण करता है, वो कुछ बोलता है, वो भी ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि वर्णन किया गया, जैसे सांप दूध जो है, दूध अमृत की तरह है, एकदम वो प्योर है दूध, लेकिन जब सांप उसमें डंक मार देता है, जब सांप उसको स्पर्श करता है, तो वो दूध दूध नहीं रहता, विषैला बन जाता है, विष बन जाता है, उसको पीने से व्यक्ति मर जाता है। तो उसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा अमृत है लेकिन व्यक्ति को परख के सुनना चाहिए। जैसे गुरु बनाना, जैसे हम सब ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति से कुछ सुन ले और वो बोनाफाइड नहीं, पागल भी तो बहुत कुछ बोल सकता ना, तो पागल की बातों में आकर अगर उसको पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया, सत्य परम सत्य मान लिया और अगर उसी के अनुसार चल गया तो आपका जीवन तो बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं मानना, जो बोलता है उसे पहले जानना है कि वो अपने जीवन में आचरण करता है कि नहीं। नहीं तो हम लोग बहुत ऐसे देखते हैं कि भागवतम प्रवचन करता है और वो भागवतम प्रवचन में बोल रहे कि मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं। और एक दिन उनकी पत्नी वहाँ पर भागवत कथा में बैठने सभा में है और जब घर में आया तो पूर्ण रूप से वो निरामिष आहार प्रदान किया, लहसुन प्याज कुछ नहीं है, तो बोले कि ये क्या टेस्टी नहीं है सब्जी में, लहसुन प्याज कहाँ दिया नहीं। बोले कि आप ही तो वहाँ भागवतम प्रवचन में बोले कि ये सब नहीं खाना चाहिए, तो आप जो बोल रहे कम से कम आपको तो एटलीस्ट पालन करना चाहिए, सभी आपको गुरु की तरह मानते हैं। अरे बोले कि वो उन सब के लिए है, मैं तो कुछ भी खा सकता क्योंकि मैं गुरु। तो इस तरह का पाखंडी गुरु है वर्तमान संसार में। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को उसी को गुरु रूप में मानना चाहिए जो वो जो कुछ बोलता है वो अपने जीवन में आचरण करता है, नहीं तो कोई भी कुछ बोल देता जैसे आजकल टीवी चैनल में होता है। तो इसीलिए सोचना है, समझना है, उसके बाद ही किसी से कुछ सुनना है। फर्स्ट अभी पांचवा पॉइंट क्या है कि गुरुदेव की योग्यता वर्तमान कलयुग, आज का टॉपिक है कलि युग में गुरु कैसे बनाए, किस तरह के गुरु का क्वालिटी होना चाहिए जिसको हम अपने जीवन में स्थान दें। तो पांचवा जो योग्यता है गुरुदेव का वो है चार संप्रदाय के अंतर्गत हो। भगवान कृष्ण ने अपने धाम वापस बुलाने के लिए जीवों को एक प्रोसेस का आविष्कार किए, मतलब एक प्रोसेस, वो प्रोसेस चार विभागों में विभक्त किया। एक लक्ष्मी जी के द्वारा श्री संप्रदाय, एक शिव के द्वारा रुद्र संप्रदाय, एक ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म संप्रदाय और एक चार कुमार चतुष्कुमार के द्वारा कुमार संप्रदाय। तो ये जो चार संप्रदाय है हमारे, तो जो गुरु होगा ये चार संप्रदाय में से एक किसी जगह में स्थित वो दीक्षित प्राप्त हो। पहला क्वालिटी क्या था गुरुदेव का कि अपने आप को भगवान न माने। दूसरा कि वो भगवान कृष्ण राम विष्णु का भक्त हो। तीसरा कि वो अपने समस्त इंद्रियों को संयम करने में सक्षम हो। चौथा क्या, जो बोलता है अपने जीवन में आचरण हो। पांचवा क्या है कि चार संप्रदाय के अंतर्भुक्त हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे उदाहरण स्वरूप आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे को आप किसी भी विद्यालय, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। ऐसे कोई घर घर में जाके जो
मान लीजिए उसका कोई बोनाफाइड नहीं है, आप उसके ट्यूशन, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे, आप बोलेंगे आप इसको पढ़ाते रहिए, हम आपको जितना वेतन देंगे जो यूनिवर्सिटी में देता है हम आपको उतना देंगे, आप इसे पढ़ाइए, तो क्या वो पास आउट होगा? सीबीएसई बोर्ड नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, तो जो भी है, कहने का अर्थ यही है कि हर चीज़ का बोनाफाइड एक स्वरूप सिद्ध एक प्रोसेस है। जैसे वर्तमान में हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज जैसे स्कूल है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आपका केंद्रीय विद्यालय, तो ये सब जो है ना ये सरकार द्वारा मान्यता तो प्राप्त है, तो जो दिल्ली पब्लिक स्कूल और भी जितने सारे हैं, तो ये सब जो सरकार से मान्यता तो प्राप्त स्कूल हो, अगर उसमें अपने बच्चे को आप पढ़ाए तो उसका कुछ लाभ है, क्योंकि उसमें परीक्षा देने का चांस मिलेगा, आपका बोर्ड रिजल्ट आएगा। और ऐसे में किसी एरे गेरे जो किसका कोई संबंध ही नहीं है, तो उनसे अगर आप पढ़ाए बच्चों को तो उसका जीवन बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। तो अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस, ये जो चार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, अगर आप अभी प्रश्न करें कि प्रभु जी हम आपकी प्रवचन सुन रहे हैं, हम आपका लेक्चर सुन रहे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कौन से संप्रदाय हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं जिस संप्रदाय में हूँ, मैं हूँ ब्रह्म संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने वो ज्ञान नारद जी को दिया, नारद ने व्यासदेव को, व्यासदेव मध्वाचार्य, मध्वाचार्य पद्मनाभ, निधहरि, अच्छब, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, विद्यानिधि, दयानिधि, इस तरह करके प्रोसेस में आया कौन? चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड्गोस्वामी, फिर श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आपका बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, और शिल प्रभुपाद का शिष्य है श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज, और उसी भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का शिष्य हूँ मैं जगन्नाथ देवदास। तो ये है शिष्य परंपरा, ये है गुरु शिष्य परंपरा। तो जो प्रोसेस में जो गुरु शिष्य परंपरा में जो बंधन मतलब रिलेटेड है, और उनके मुख से जब आप सुनेंगे कुछ तो उसका इफेक्ट आता है, और वो जो बोलता है वो प्रामाणिक संस्था है, ये प्रामाणिक संप्रदाय है, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी और वैदिक भाषा में जिसे कहा जाता है संप्रदाय, तो चार संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय का होना चाहिए। तो हम लास्ट में आप लोगों को बस रिवाइज कर दे रहे कि गुरु को बनाने से पहले अपने जीवन में गुरु की योग्यता है, अपने जीवन में गुरु को लाना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु जरूरी है। विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर नोबडी कैन एंटर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बिना गुरु के कोई भी भगवत धाम या भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता, तो इसीलिए ये गुरु बनाना तो जरूरत है हमारे जीवन में। तो अभी वही हम पांच योग्यता का वर्णन किए कि गुरु को अगर इस कलि युग में अगर ये पांच योग्यता संपन्न गुरु अगर मिले तो उसको तुरंत गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। पहला क्या था कि अपने आप को भगवान न माने, दूसरा क्या है जो भगवान कृष्ण, भगवान राम या विष्णु के भक्त हो, तीसरा क्या है जो छह इंद्रियों को संयम में रखने में समर्थ हो, चौथा क्या है जो बोलता है वो अपने आचरण में लाता है, पांचवा क्या जो चार संप्रदाय के अंतर्गत हो, और ये हमारी इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्रह्म संप्रदाय गौड़ीय मध्य संप्रदाय में आता है। तो इसीलिए आप सबको इनवाइट है, सबको निमंत्रण है, इस्कॉन से जुड़िए, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथायथ, श्रीमद् भागवतम को अध्ययन कीजिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण।